दलित, आदिवासी, पिछड़ों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आगे लाने के लिए ये जातीय जनगणना हम करने वाले हैं। इसलिए कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने के लिए नहीं, जाति जाति में झगड़ा लगाने के लिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं किसकी हालत, सामाजिक हालत उसकी क्या है, आर्थिक हालत क्या है और शैक्षणिक हालत क्या है, स्वास्थ्य में उसका कहाँ ठहरा है, इन चीजों को हम देखने के लिए और देखकर उस पर पॉलिसी बनाने के लिए हम कर रहे हैं। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं, घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में दो, अहमदाबाद में मैं भी था, वहाँ मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोले देखिए तुम्हारे घर में अगर दो भैंस है एक मुसलमानों को देंगे। मैं आप सुने नहीं, अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतने झूठ भी बोलते हैं तो हम क्या कहें।